ये राहुल गांधी है, या इसमें आप जो देख रहे हैं ग्रीन शॉट वाला, ये राहुल गांधी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा राहुल गांधी जी, ये जो आप देख रहे हैं कैमरा में, ये जो एलईडी में देख रहे हैं, राहुल गांधी पैदल सफर तय कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, यानी केरल से जम्मू कश्मीर तक पैदल सफर तय करेंगे, जिसमें 3171 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, जिसमें राहुल गांधी पैदल सफर तय करेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, अभी यहाँ से 7 किलोमीटर पीछे राहुल गांधी जी हैं, लोकेशन पर चेक करने पर दिखाया जा रहा है, जिसमें पुलिस वालों का गाड़ी है जो आगे है और राहुल गांधी तो अभी यहाँ से 7 किलोमीटर पीछे है। ये देखिए यहाँ से कितना बड़ा लाइन लगा हुआ है, कम से कम 10-20 हज़ार पब्लिक है, जनसंख्या है, उसके अंदर राहुल गांधी निकलेंगे और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि राहुल गांधी जी कहां पर हैं। तो आप देखते रहिए अंत तक, मैं चार मंजिल बिल्डिंग के ऊपर आकर वहां से वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को स्पष्ट यहां से दिखे और मैं आपको स्पष्ट दिखाऊँगा कि राहुल गांधी जी कैसे पैदल सफर तय कर रहे हैं और कई तारीख को यहाँ से निकले हैं। यहाँ से 27 तारीख को निकले हैं, आज 28 है और 27 तारीख को कन्याकुमारी से निकले हैं और हम जो है केरल में कन्याकुमारी से 200 किलोमीटर हम पीछे हैं और वहां तक एक दिन में आ गए हैं। और यहां से अभी 3171 किलोमीटर यहां से पड़ता है, जो राहुल गांधी यहां से रवाना हो रहे हैं, आप लोग यहां देख सकते हैं। अभी तो पब्लिक हैं और बहुत सारे कुछ हैं, इनमें राहुल गांधी भी आएंगे जो मैं दिखाऊंगा, तब तक के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, बहुत छोटा वीडियो है। वैसे यहाँ से तो अभी 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर लोकेशन पर चेक करने पर दिखाया जा रहा है, तो आप बने रहिए, ज़रूर दिखाएंगे। इसी वीडियो में आपको राहुल गांधी को दिखाया जाएगा और इस जोर का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा है। यहाँ एक आम का पेड़ है जिससे आपको, ये देखिए ये जो गाड़ी देख रहे हैं, इसमें न्यूज चैनल वाले हैं, ये सबके पास कैमरा है, जो देखिए ऊपर वीडियो ले रहा है 5 आदमी है और नीचे 15-20 आदमी है, सब न्यूज चैनल वाले हैं और एक कैमरा लगा हुआ है। हो सकता है कि इनके पीछे ही राहुल गांधी होंगे, पर चेक करने पर तो अभी 6 किलोमीटर दिखाया जा रहा है और पुलिस है, तो इनके पीछे राहुल गांधी होंगे। तब तक मैं वेट करता हूँ, आप लोग लगे रहिए लाइन पर, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा राहुल गांधी जी को। और मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं कि इनके पास 70 कंटेनर है, जिस कंटेनर में रूम बनाया गया है और उस रूम के अंदर रात में लोग आराम करते हैं और दिन में पैदल चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ये है, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें दिन भर पैदल चलते हैं और रात को कंटेनर में सफ़र करते हैं। ये देखिए राहुल गांधी जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये जो आप ग्रीन शॉट वाले जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ग्रीन शॉट वाले जो है ना, वो राहुल गांधी है, राहुल गांधी, और पीछे बहुत सारे पब्लिक है और उनके साथ जो आए हुए हैं वो लोग भी है। देखिए जो ग्रीन शॉट वाले जो माथे पे हाथ पोंछ रहे हैं, वही है राहुल गांधी, और इनके पीछे अभी बहुत सारे देखने का नज़ारा है, आप आराम से बने रहिए। तो ये देख सकते हैं कितना भीड़ है राहुल गांधी जी को जाने के लिए, 3171 किलोमीटर का सफ़र कितना दिन में तय करेंगे, वो आप लोग सोशल मीडिया पर चेक करते रहिएगा। और बहुत सारे यहाँ से पब्लिक भी जा रहे हैं और दिल्ली से आए हुए हैं, और अभी बने रहिए, 70 गाड़ी है, पुलिस का गाड़ी है, उसके बाद 70 गाड़ी है जिसमें ये लोग रात को सोते हैं, जिसमें एसी है, रूम है, पूरा फैसिलिटी है, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ है, क्योंकि यहाँ से 3000 किलोमीटर है तो उनके लिए तो फैसिलिटी चाहिए ही चाहिए, तो ये तो निकल रहे हैं। और भी बहुत एम्बुलेंस भी है, जो हॉस्पिटल वगैरह में किसी को कुछ हो गया तो जाना पड़ेगा, उसके लिए एम्बुलेंस भी है। बड़ी आसानी से लोग सफ़र तय कर रहे हैं, दिन दिन में सफ़र करते हैं और रात को सोते हैं। देख सकते हैं कि 7 किलोमीटर का लंबा लाइन है, पलामन थोल से हम जहां पर है यहां से 7 किलोमीटर है, और ये आम का पेड़ है इसलिए नहीं दिखता है, तो बहुत बड़ा लाइन है, आप थोड़ा बने रहिए, आप देखते रहे कि कितना बड़ा लाइन है। हम जो है अभी केरल राज्य में है, ये 4 मंजिल
चार मंजिल बिल्डिंग के ऊपर आकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि नज़दीक में जाकर बनाना बहुत मुश्किल है। हमने गया था पर नहीं हुआ, इसलिए आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है इसमें, तो लगभग 5-7 करोड़ 10 करोड़ से कम खर्च नहीं आया होगा हमारे अनुभव से। बहुत खर्च इसमें आया होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस वालों का गाड़ी है। ये जो गाड़ी है केरला पुलिस का है और दिल्ली पुलिस भी है इसमें। ये केरला पुलिस का गाड़ी है और फिर दिल्ली पुलिस का भी गाड़ी है, जो बैक आएगा मैं आपको दिखाऊंगा लाइव। एम्बुलेंस भी है और 70 जो कंटेनर है जिसमें, ये देखिए आईसीयू, ठीक है, पूरा फैसिलिटी के साथ राहुल गांधी जी चले हुए हैं। जो किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो जल्द से जल्द उनके हेल्प के लिए, ये देख सकते हैं, सहायता के लिए सब कुछ है। गाड़ी है, दिल्ली का है, महाराष्ट्र का है, केरला का है, बहुत सारे जगह का है। ये नज़ारा है और ये सब भारत जोड़ो यात्रा में भाग।